जहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू बड़ी जदीद है, वहाँ पे हमारी पुलिसिंग भी बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है, हमारी आपस में लिंकेजेस हैं क्लोजली। आपकी सेफ सिटी के साथ किस तरह की लज़ोन है? कोई आपको एक अनअटेंडेड लाश मिल जाती है, आपको अनअटेंडेड कोई बच्चे मिल जाते हैं, आपके उसके आप उनके वर्सा को पुलिस के डाटा से बड़े अच्छे से आप एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, व्हाट्स द रीज़न, क्या किस तरह करें, क्या उसमें लॉजिक क्या पीछे? उसके लिए एक नंबर है 9211 को अगर उल्टा कर दें 1192 1192। सेफ सिटी के साथ हमारा जो LTE सेट्स हैं उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली हमें कम्युनिकेशन में आसानी होती है। आज इन सेट्स की वजह से ये है कि हमें रियल टाइम वहाँ की इमेज आ रही होती है कि हमें उस नौयत का पता चल जाता है। आपने एक ऐप लॉन्च की है, इस ऐप के जरिए जो भी हमें एमरजेंसी पर डायल करेगा उसकी हमें लोकेशन मिल जाएगी। वैसे सर देखने में तो ये आता था कि ये सिर्फ मूवीज में होता है, इनकी जो ट्रेनर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कि साउथ एशिया में पहली टीम बने जिसने UN सर्टिफिकेशन अचीव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बख्त और आप देख रहे हैं PSCA TV। नाज़रीन अगर आपको कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, जलजिला आ जाए, हम बड़े अतमाद से 1122 पे कॉल करते हैं और इस बिलीव के साथ कॉल करते हैं कि 1122 वाले फौरन आ जाएंगे। ये अतमाद क्यों है, इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है, आइए मैं आज आपको इस शो में दिखाता हूँ। वेलकम टू द शो। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ द फाउंडर ऑफ रेस्क्यू 1122 DG डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं, उनको वार्म वेलकम कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम, आपने टाइम दिया। सबसे पहले हम आपके पास आए सर, 90 लाख के करीब एमरजेंसी स्टिल नाउ फ्रॉम इट्स क्रिएशन आप डील कर चुके हैं 1122 के साथ अक्रॉस द पंजाब। सर क्या मोटिवेशन है, क्यों लड़के आपके इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है, कमिटेड है टूवर्ड्स द वर्क? आई थिंक जो मेन रीज़न है वो जहाँ पे आज आप आए हैं वो है हमारी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बगैर कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं होता। फिर हमारा मॉनिटरिंग का निज़ाम है जिसके ज़रिए आपको वही स्टैंडर्ड मिलेगा जो लाहौर में है, वही राजनपुर भी मिलेगा और वही अटक में भी मिलेगा। और उसके साथ साथ फिर हमारा जो निज़ाम है उसमें कॉल सेंटर है, जहाँ पे पहले हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, वहाँ पे फिर जब जलजला आया हमने रेस्क्यू सर्विस बनाई, और रेस्क्यू की पहली टीम हमने डिज़ास्टर एमरजेंसी रिस्पांस टीम 2006 में बनाई थी। तो जब हमने उसके बाद उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया तो उसके बाद हमारी 2015 में हमें UN की रजिस्ट्रेशन मिली। ओके। और 2019 के अंदर फिर हमें पहली टीम थे जो कि ये हमारी एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जिसको अक़वामे मुत्तहिदा ने पूरी जनूबी एशिया में सर्टिफिकेशन दी। तो ये एक बहुत बड़ी एज़ाज़ प्लस SAR का भी हमने पूरा जो रेस्क्यू का चैलेंज और इवेंट जो था वो यहाँ पे कराया 2018 के अंदर। तो ये था कि हमने हमारा मकसद ये रहा है कि हम ये जो एक ट्रेनिंग करें और फिर इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख सकें फील्ड के अंदर, ताकि वहाँ पे लोगों को इसी क्वालिटी की सर्विसेज जो है वो मिलती रहें। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इट्स एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू बड़ी जदीद है, वहाँ पे हमारी पुलिसिंग भी बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है। अब हो यूँ रहा है कि अगर फॉर सम रीज़न समबडी 1122 पे कॉल नहीं कर पाता तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके पास फिर भी रेस्क्यू पहुंच जाती है? जी, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक जो हमारा एक 15 का नंबर है जो कि इमीडिएटली अगर कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो आप उस पर फौरन रिपोर्ट करें, बिकॉज जब तक आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक जाहिर पता पता नहीं। इसी तरह अगर एमरजेंसी की हमें खबर आप 1122 पे नहीं देंगे तो तब तक हम इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा, 1122 नहीं मिल रहा या 15 नहीं मिल रहा, तो हमारे पास दो नंबर होने का फ़ायदा हमें बेनिफिट ये है कि खुदा ना खास्ता अगर रिडंडेंसी हो और कभी एक सिस्टम डाउन हो तो दूसरा हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा है, और हमारी आपस में लिंकेजेस हैं क्लोजली, ताकि अगर कोई एक सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो या एक जगह पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो इमीडिएटली दूसरे में आप कॉल कर सकते हैं और हम आपस में फिर वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए हम आवाम को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी एमरजेंसी में। डीजी साहब, दौर है इंटीग्रेशन का, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की इंटीग्रेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लाइज़ॉन है। हाँ। आपकी सेफ सिटी के साथ किस तरह की लज़ोन है? आप कहा यह जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता को बंदा 1122 पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, 15 पे भी नहीं कर सका, कैमरों से आपको बता दिया जाता है कि इस जगह पे एक्सीडेंट है, आपकी टीम्स किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं? जो ऑपरेटर्स हैं और जो सिस्टम है हमारा पूरा चलता है उसके अंदर जो है वो आपस में इंटीग्रेशन है। हमारे चूँकि लोग उधर भी होते हैं, सेफ सिटी के अंदर भी, तो हमारी बड़ी क्लोजली हम पर काम करते हैं। अच्छा, व्हाट एल्स फ्रॉम शिफ्टिंग द पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल, उसके अलावा 1122 की क्या सर्विसेज हैं? इस वक्त हम आज आपको दिखाएंगे कि हम इस वक्त क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ये देखिए तो अक्सर हमें एमरजेंसी हर किस्म की हम एमरजेंसी में कोशिश ये होती है कि कोई भी अगर एमरजेंसी हो, अगर इवन कोई बंदा ज़ख्मी हो गया और अगर फायरिंग हो रही है और उसमें बंदा ज़ख्मी हमने रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम ये आपको आज एमरजेंसीज दिखाएंगे डिफरेंट टाइप की जो होती है। ये अगर आप अभी देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, अगर कोई वेल के अंदर भी कोई बंदा चला जाता है, इसी तरह से कई जगह पे जहाँ पे बनी होती है टॉक्सिक गैसेस होती है वेल में, कोई बंदा नीचे जाता है और वहीं पे रह जाता है, तो रेस्ट
तो रेस्क्यूअर ने ऐसी सूरत हाल में किस तरह अंदर जाना है, किस तरह से जाके नीचे से लोगों को रेस्क्यू करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। और स्पेशली साउथ ऑफ पंजाब में हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं इसकी। सर, अपार्ट फ्रॉम सेफ सिटी, अपार्ट फ्रॉम जो आपका लिंकेज है सेफ सिटी के साथ, जो हमारे पास पुलिसिंग है उसमें आपका एक बड़ा, मैं देख रहा था कि जब कोई आपको एक अनअटेंडेड लाश मिल जाती है, आपको अनअटेंडेड कोई बच्चे मिल जाते हैं, आपके उसके आप उनके वर्सा को पुलिस के डाटा से बड़े अच्छे से आप एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं, व्हाट्स द रीज़न, क्या किस तरह करें, क्या उसमें लॉजिक क्या पीछे? हमें कॉल्स आती थी मसलन किसी का कोई बच्चा चला कि जी मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था और अचानक उसका अब रब्ता नहीं है, अच्छा खुदा ना खास्ता उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो वो हमें कॉल करते थे कि जी बता दें। इसी अच्छा। तरह कोई और किसी का बेचारे का फैमिली मेम्बर कोई यहाँ पर आया हुआ है बिज़नेस के लिए या काम करने के लिए और उसके बाद उनका कोई दो दिन से जी रब्ता नहीं हो रहा, तो हम देखते थे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस सूरत हाल में वो बेचारा एक्सीडेंट के बाद अब उसका अनआइडेंटिफाइड था या लेबरर था जिसके सॉरी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, तो हम फौरन हमारी कोशिश होती है जो भी बंदा हमें अनअटेंडेड मिले तो उसकी हम इंफॉर्मेशन फौरन अपने सिस्टम पे एटलीस्ट यहाँ पे पोटेंशियल मॉनिटरिंग सेल में आ जाए और ताकि हमें कोई भी कॉल करे, हमने उसके लिए एक नंबर है 9211 को अगर उल्टा कर दें 1192 तो उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन किसी भी अनआइडेंटिफाइड बंदे की उधर आई होती है फौरन ताकि हम आपको बता दें, वरना आप कहाँ जाएंगे। आपका पुलिस से बड़ा अच्छा लाइजॉन है इस बारे में। ये अभी सर आग लगी और विद इन 9 मिनट्स इन्होंने उसे कूल डाउन किया, उसके बाद इन्होंने कुछ व्हाइट कलर के इसके ऊपर मेरे ख्याल से वो आप भी बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं वो किया। इसको हम फोम कहते हैं, AFFF फोम होता है, ये खास तौर पे पेट्रोकेमिकल फायर्स जो है उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा हमारी फायर सर्विसेज के पास ये मौजूद होता है और जहाँ पे भी इस किस्म की फायर्स हैं जहाँ पे कि आपने नॉर्मल वाटर को इस्तेमाल नहीं करना और पेट्रोकेमिकल फायर्स पे जहाँ पे कि आपने इस किस्म का, तो ये फोम इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके ऊपर एक लेयर बना दे, उसको हवा ना मिले और उसको हम एक्सटिंग्विश कर सकते। ये हमारा वो प्रोसीजर था जिसमें अगर आग लग जाए आप रिस्पॉन्ड तब करते हैं। आपकी बाइक्स हैं, रेस्क्यूअर हैं। हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज आता था कि हम लोगों ने अगर कुंजान आबाद इलाके में रश के एरियाज में रिस्पॉन्ड करना है तो वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए मुश्किल होती थी, ठीक है, तो हमने उसके लिए खास तौर पे ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया, ठीक है, लाहौर शहर से फिर नॉर्ड व्हीलर हेडक्वार्टर पे काम कर रहा है और इसमें अब तक हमने 6 लाख एमरजेंसी इस पर जो है रिस्पॉन्ड किया और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारा 4 मिनट रहा है जो कि एक अचीवमेंट है इवन इंटरनेशनली। सो 4 मिनट में आपने तकरीबन 6 लाख एमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया। आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? बहुत अच्छा, जो हमें आई थिंक स्पेशली हमें लाहौर के अंदर जो बहुत बड़ी एक सहूलत है वो ये कि सेफ सिटी के साथ हमारा जो LTE सेट्स हैं उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली हमें कम्युनिकेशन में आसानी होती है, खास तौर पर जिन दिनों कोई बड़ा इस किस्म का मुहर्रम का इवेंट चल रहा है, कोई और ऐसे सेंसिटिव इवेंट चल रहे हैं जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम या मोबाइल नेटवर्क जैमर्स की वजह से डाउन है, तो वहाँ पे ये बड़े सेट्स हमें यूजफुल रहे हैं। ये LTE क्या हेल्पफुल है अगर अंदरून के किसी इलाके में या कोई ऐसे गुंजान आबाद इलाके में हो गया जहाँ पे आपकी पहले वैन नहीं पहुँच रही, आपका रेस्क्यूर बाइक पहुँच गया, आपको कुछ पता लग सकता है कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, क्या वो LTE सेट इस कैपेबल है कि वो आपको ना सिर्फ वहाँ पे ऑडियो बल्कि वीडियो कम्युनिकेशन दिखा सके? विजुअल मॉनिटरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरत जो है वो रहती है और इस सूरत हाल में हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास जो अपना था पहले सिस्टम वो वायरलेस सिस्टम था लेकिन उसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, तो आज इन सेट्स की वजह से ये है कि हमें रियल टाइम वहाँ की इमेज आ रही होती है कि हमें उस नौयत का पता चल जाता है कि क्या है, क्या सीरियसनेस है, कितना बड़ा है इंसिडेंट, जो सारी चीज़ें हमें विजुअल मॉनिटरिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती है, उसका फिर हम रिस्पॉन्स हमारा बहुत बेहतर हो कर सकते हैं उसे हम। आपने एक ऐप लॉन्च की है कि जस्ट लाइक किसी भी जो हमारे पास सर्विसेज हैं कि हम कैब सर्विसेज हैं उसी की तरह का कि अगर कोई बंदा अपनी इंसिडेंट पॉइंट पे ही डू हैव स्मार्टफोन या किसी भी तरह से वो हिट ऐप बटन करता है आपका जो पास वाला को बंदा है वो पहुंच जाएगा, इज इट डूएबल, हो रहा क्या इस तरह? जी इंशाल्लाह, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हमें क्योंकि लाहौर बहुत एक्सपैंड हुआ, मुझे अगर 2004 से मैं देखूं तो उस वक्त एक छोटा लाहौर था जो मैनेज हो जाता था, आज एक तरफ शादरा है तो दूसरी तरफ बरकी है, तीसरी तरफ रायवंड है, तो बहुत फिनोमिनल एक्सपेंशन हुई है, उसकी वजह से नए एरियाज नई कॉलोनीज आई हैं, अब हमें लोकेशन नहीं मिलती, तो लोकेशन चूँकि हमें एक्सेस नहीं मिलती थी तो इस ऐप के ज़रिए जो भी हमें एमरजेंसी पर डायल करेगा
उसकी हमें लोकेशन मिल जाएगी। उससे आसानी ये होगी कि ट्रायंगुलेशन करके आप इमीडिएटली जो सबसे उसका करीबी वहाँ का जो रिस्पांस वाला है वो, तो अगर आपने किसी ने गलत एड्रेस दे दिया या कोई सही तरह एड्रेस एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो वाला हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जैक्टली सर, डू यू थिंक दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जो टूल है, जो इंटीग्रेशन है सेफ सिटी की आपके साथ, उसके आने से और उसके पहले को अगर हम मुवाजना करें, कंपेरिजन करें, क्या कोई एड्रप्ट चेंज हमें नज़र आ रहा है एनालिसिस किया जाए तो? जी, हमारा जो ये पूरा जो पूरा सिस्टम होगा इस पर हमारी मॉनिटरिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। हमें हर बंदे की जो परफॉर्मेंस, हर बंदे की जो जिस तरह से सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, हमें पूरा वो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे बर्न हाउस इसको हम कहते हैं। इसको एक मॉडल बिल्डिंग बनाई गई जिसमें नीचे गोदाम है और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और ऊपर की तरफ एक फ्लैट्स है। ये आप दाएं तरफ देख सकते हैं कि ये एंट्री कर रहे हैं। ओके, और ये अगर बिल्डिंग में उन्होंने एंट्री करनी है, किस तरह से उन्होंने करनी है, किस तरह, ये अब पहले वो चेक करेंगे। सामने आपने नहीं होना, बिकॉज अगर एकदम खोलते हैं हवा अंदर जाती है तो एकदम फायर अगर आप पे आती है फ्लैश ओवर या बैकड्राफ्ट, तो आप उससे जल सकते हैं। तो किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह आपने चेक करना है, किस तरह से आपने, तो ये सारा आपने चेक करके किस तरह से एंट्री करनी है। इन्होंने जमीन पे उसे क्यों, ये स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोर को चेक कर रहे हैं। exactly, जब आप अंदर जा रहे हैं और अगर आपने वही पता चला कि फ्लोर ही सामने नहीं है, या अगर आपको डार्क है अंदर तो नजर ही नहीं आ रहा, तो आपने ये किस तरह से सेफ एंट्री करनी है, वॉल टू वॉल सर्च किस तरह करना है, ये सारी टेक्निक्स इनको सिखाई जाती है ताकि ये इफेक्टिवली जो है वो ऐसे फायर एमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड कर सके। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने काम किया है, बेशक ये पार्ट ऑफ द जॉब है, लेकिन जो ये काम इन्होंने किया है ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये इतना मुश्किल काम इन्हीं के जिम्मे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि और किसने आके रेस्क्यू करना है आवाम को? ये सब इनकी जो ट्रेनिंग है वो मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होगी, क्योंकि अगर वो आज ये कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इसके लिए उन्हें काफ़ी ट्रायल्स लेनी पड़ी होगी। बिल्कुल, इसके बगैर किसी बंदे को भी अगर हाइट का फोबिया है, फायर का फोबिया है, या स्मोक में एंटर नहीं कर सकता, या क्लॉस्ट्रोफोबिया है स्पेस का, या पानी का फोबिया, वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। ये जो अब हम देखने जा रहे हैं ये फायर फिट चैलेंज है। इंटरनेशनली भी यही फायर फिट चैलेंज होता है, जिसमें जितने फायर के स्टेप्स हैं वो सारे किए जाते हैं, और तकरीबन 30 से 35 किलो का वज़न है जो ये के उठा के चलते हैं, और अच्छा। उसके बाद ये पूरा यहाँ से उठा के ये होज़ लेके जाना होता है इन्होंने चौथी मंजिल पे, फिर उसको बाकायदा वहाँ पे होज़ को वापस पुल करना है, फिर वापस आना है नीचे जाके। इन्होंने एक जिस तरह फोर्सेबल एंट्री, अगर कोई बंदा अंदर ट्रैप्ड है उसको रेस्क्यू करने के लिए आपको करनी पड़ती है, उसमें जहाँ पे आग लगी हुई है तो उसमें वो करके फिर किसी को रेस्क्यू करते हुए ड्रैग करके लाएंगे। जी सब ये क्या है, ये तो नौजवान नहाने लगे। जी स्विमिंग सबके लिए जानना ज़रूरी है, रेस्क्यूअर्स के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा डूब रहा और वो कहे मैं रेस्क्यूअर हूँ लेकिन आपको बचा नहीं सकता। इसलिए लोगों का हमें कॉल आती थी, लोग डूब जाते थे तो उनमें कौन रिस्पॉन्ड करेगा, किस तरह करेंगे, तो वो जो था हमारे पास सिस्टम था। तो आज सब रेस्क्यूअर्स को जो है वो स्विमिंग सिखाई जाती है। अच्छा। ना सिर्फ स्विमिंग सिखाई जाती है बल्कि जब हमारे पास आती हैं जिसमें कॉल्स जिसमें कि बंदा को डूब गया है, तो हमारे डाइवर्स भी हैं जिसमें कि जो है वो आपको वो डाइव करके जाके जब रेस्क्यू करना होता है तो वो फिर उसमें से करते हैं। और आज कितने सारे लोग हैं जो कि डूबे हैं, उन लोगों को हमने निकाला है। तो सर ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने बहुत अच्छे इस बारे में काम किया। फ्लड की पूरी जो ट्रेनिंग अब हम है वो पूरा रिस्पॉन्ड करते हैं, और आज पूरा फ्लड का ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू 1122 मैनेज करती है। डी साहब, ये पीछे मलबा पड़ा हुआ है, लोहा भी पड़ा हुआ है, ये इन्हें किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये बेसिकली एक बिल्डिंग कोलैप्स की एक साइट है। अच्छा। उसमें जो भी मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज हो सकते हैं, आपको किस तरह से रेस्क्यू करना है, आपको को वर्टिकल जाना है, या आपको कटिंग करनी है, ब्रीचिंग करनी है, आपको लिफ्टिंग करनी है, ये सारी टेक्निक्स इनको सिखाई जाती हैं। और इसमें अगर आप देखें तो एक होल से आप एंट्री करेंगे और हो सकता है आपको एक से डेढ़ दिन लगे अंदर तक पहुँचने तक उस बंदे तक, क्योंकि अगले मल्टीपल लेयर्स हैं। पहली वॉल आएगी, फिर कंक्रीट की लेयर आएगी, फिर आप करते हुए जाएंगे, तो एक एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो जो कि आपको बिल्डिंग जब ऐसी मुनज़म होती है उसमें एक मिलता है, वो हम यहाँ पे सिमुलेट करते हैं ताकि इन सब की ट्रेनिंग हो, ताकि जब इस किस्म के इंसिडेंट्स हो उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। वहाँ पर जल्दबाजी की जरूरत ये नहीं होती कि हमने मलबा कितनी जल्दी दूर करना है, बल्कि अगर अंदर कुछ लोग ट्रैप हैं जो कि छोटी छोटी जगह में होंगे, एग्जैक्टली उनको जाके निकाला जा सके, और उनमें फिर उसी तरह जाएंगे। अगर आपने फॉरन हैवी मशीनरी यूज़ कर दी शुरू कर दी तो वो दो चार फुट में जहाँ पर ट्रैप्ड है वो भी जाएगा,
और फिर लोग वहीं पर जो है वो बरी हो जाएंगे। वैसे सर देखने में तो ये आता था कि ये सिर्फ मूवीज में होता है, इनकी जो ट्रेनर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं कि आर दे फ्रॉम पाकिस्तान के ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप लोगों ने ट्रेनिंग करवाई है? जी हमारी ट्रेनिंग जो थी वो ये था कि इनिशियली चूंकि हमने साल बाद एक पहली टीम को इस्टेब्लिश किया, अब ये था कि उसको हम ट्रेनिंग करा सकें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, तो हमने फिर यू एन के जो स्टैंडर्ड थे उनको फॉलो करना शुरू किया। हमने वो अचीव किया जब बेसिक तो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई 2015 में, और उसके बाद चार साल बाहर से यू एन ऑब्जर्वर्स ने आके और यू एन के जो उन्होंने डेजिग्नेट किए हुए थे मेंटोर्स, वो आके हमारी ट्रेनिंग को देखते थे, कराते भी थे, और फिर अल्टीमेटली हमने सर अभी हम ये कौन सा आपका यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? ये हमारा एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज है जिसके अंदर के बाकायदा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होती है, और ये जो ट्रेनिंग है हमारी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारी है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज आयरलैंड के साथ मिलकर हम ये करते हैं। आयरलैंड के कोलैबोरेशन? जी आयरलैंड की कोलैबोरेशन, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज आयरलैंड की कोलैबोरेशन है, तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है जो उनका स्टैंडर्ड है वही हम फॉलो कर सकें। डीजी सब रेस्क्यू सर्विसेज और ऐसी रेस्क्यू सर्विसेज जिसमें आपकी अपनी लाइफ स्टेक पे, इट्स नेवर बीन एन इजी जॉब, क्या शहादतें होती हैं आपकी? जी बिल्कुल, हमारे जहाँ पे लोग ज़ख्मी भी होते हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे को 22 जो हैं वो रेस्क्यूअर्स हैं जो कि द लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी शहादत हुई है, और लोगों की जिंदगियाँ बचाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगियाँ जो हैं बिल्कुल हुई, और ये एक रिस्की जॉब है, और ऑब्वियसली सारी दुनिया में अगर फायर रेस्क्यूअर्स को और जो है वो सारी एक इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं, वो वजह यही है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ खतरे में डाल के लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। 90 लाख आप लोगों ने एमरजेंसी केसेस को एड्रेस किया, 90 लाख में फेक कॉल्स कितने? करोड़ों कॉल्स हैं जी, आप डेली की अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें कुछ 60,000 कॉल्स रिसीव होती हैं, जिसमें से अगर एक्चुअल कॉल देखी जाए वो तो 3,000 एमरजेंसीज़ हैं, तो उसके ऊपर एक बार एक एमरजेंसी में 2 या 3 बार कॉल कर लेंगे तो 6,000-7,000 हो जाएंगी कॉल्स, तो बाकी इररेलेवेंट कॉल्स हैं। उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर एमरजेंसी लाइन बिजी मिलेगी किसी को तो सर्विसेज अवेलेबल हैं लेकिन लोगों को नहीं मिलेंगी, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, इसी मैसेज के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं कि बरवक्त कॉल सिर्फ तभी करें जब आपको एक जैनमन आपकी कोई ना कोई आपकी एक एमरजेंसी है, ज़रूर कॉल करें 1122 पे, लेकिन खुदा ना खास्ता आपकी एक फेक कॉल किसी की जान ले जा सकती है। मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।